वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। इंटरोगेटिव जिसमें क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट मतलब लास्ट में ता था, ते था या ती थी आए या फिर आ ए ई या ऐसे आए, वो सिंपल पास्ट टेंस होंगे। तो ये क्या है, इंटरोगेटिव। जब सिंपल पास्ट टेंस है तो उसमें इंटरोगेटिव में हम डिड का यूज करते हैं। किस चीज का, डिड का। अगर आपको याद हो तो जब हमने प्रेजेंट टेंस किया था उसमें हमने डू और डज किया था सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट में हमने डू और डज, ता है, ते है, ती है, इसमें डिड का यूज करेंगे। ता था, ते थे, ती थी, यानी कि क्वेश्चन मार्क है, साथ में क्या है या कोई डब्ल्यू एच फैमिली है तो पहले डिड आएगा, और अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगी फिर डिड आएगा। देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो ये इसका रूल है, डिड के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, कुछ भी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और देन ऑब्जेक्ट, हमने एक एग्जांपल लिया है, क्या वो खेलती है, डिड शी प्ले। नेक्स्ट, क्या उसने खेला, इसका भी यही है, डिड शी प्ले। क्या उसने खेला, क्या वो खेलती थी, ओ सॉरी, खेलती थी पास्ट में है, क्या वो खेलती थी, डिड शी प्ले। क्या उसने खेला, यानी किसे खेला, पास्ट में खेला, डिड शी प्ले, ठीक है, तो डिड का यूज होगा। तो हम आज ये करेंगे, इसका रूल देख लेते हैं एक बार। जब लास्ट में ता था, ते थे, ती थी आए क्वेश्चन मार्क के साथ, और आ ए ई या कुछ भी आए, ठीक है, तो रूल क्या है, सबसे पहले आएगा डिड, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है तो डिड आएगा। अगर कोई डब्ल्यू एच फैमिली है तो पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगी और फिर डिड आएगा। देन सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सिंपल पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ, लेकिन इसमें डिड है, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव है, तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी, अगर कोई है तो ऑब्जेक्ट, यही है। अब इससे रिलेटेड हम अपने सेंटेंस देखते हैं। क्या सीमा पार्क जाती थी, ठीक है, ती थी, या फिर ऐसे भी बोलेंगे कि क्या सीमा पार्क गई थी, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या सीमा पार्क जाती थी, तो सबसे पहले क्या है, तो डिड लगेगा, डिड। सीमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू पार्क, डिड सीमा गो टू पार्क, क्या सीमा पार्क जाती थी, क्या उसने तुम्हारी मदद की, पास्ट में की, क्या पूछा उन्होंने, क्या उसने तुम्हारी मदद की, पास्ट में चला गया, तो डिड पहले आएगा, ही डिड ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, यू डिड ही हेल्प यू, उसने, लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो डिड शी हेल्प यू या डिड ही हेल्प यू, क्या तुम दिल्ली जाती थी, क्या तुम दिल्ली जाती थी, क्या क्वेश्चन मार्क, डिड यू, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो कहां पे, टू दिल्ली, नेक्स्ट वन इज
तुम काम क्यों नहीं करती थी? क्यों? वाई, WH फैमिली आ गई, क्यों? तो वाई सबसे पहले आ जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है, तो डिड आ जाएगा, वाई डिड, ठीक है। अब सब्जेक्ट, तुम यानी कि यू। वाई, तुम काम क्यों? देखिए ये नेगेटिव इंटरोगेटिव है, इसमें नहीं काट देते हैं हम, ये हम नेक्स्ट में करेंगे। तुम काम क्यों करती थी, ठीक है, यही लेंगे। क्यों? वाई। डिड क्वेश्चन मार्क है, तो डिड। सब्जेक्ट यू, ठीक है, तुम काम क्यों करती थी, वाई डिड यू। करना डू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, डू आएगा। ये डू वैसे नहीं है जैसे मैं प्रेजेंट में किया था, डू करने के लिए है। डू क्या कर, वर्क, काम, ठीक है। ये नहीं वाले हम नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि ये जो नहीं वाले और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस है, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। वे कैसे खेलते थे, वे, दे, और कैसे, हाउ, हाउ आ गया, WH फैमिली आ गई, तो हाउ पहले आ जाएगा। डिड क्वेश्चन मार्क आ गया, डिड, वेन, दे, खेलना, प्ले, प्ले, ठीक है। हाउ डिड दे प्ले, हम घूमने के लिए कहाँ जाते थे। नेक्स्ट, हम, वी, कहाँ, WH फैमिली, वेयर, WH फैमिली पहले आती है, दे, वेयर क्वेश्चन मार्क है, पास्ट में है, ते थे, तो डिड, हम, वी, वेयर डिड वी गो, जाना, गो, फॉर किसके लिए, के लिए, फॉर के लिए, वॉक, वॉक के लिए। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे क्वेश्चन मार्क वाले यानी कि इंटरोगेटिव सिंपल पास्ट टेंस हैं। थैंक यू।